दोस्तों, अगर आपका एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा कम है और आपने रिपेयर भी बहुत करवा लिया लेकिन आपकी कूलिंग बहुत ज़्यादा कम है। कूलिंग कम कैसे है? आप मार्केट में जा रहे हो तो आपका एसी कूलिंग कम कर रहा है, लेकिन अगर आप रोड पे हाईवे पे चला रहे हो तो आपका एसी बढ़िया कर रहा है। और आपने रिपेयर करवा लिया, सब कुछ चेक कर लिया लेकिन इसकी प्रॉब्लम नहीं मिल रही, तो आपको एक ऐसी प्रॉब्लम बताऊँगा जो किसी को नहीं पता होती और वो चेक करते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती और ये प्रॉब्लम चलती रहती है जब तक गाड़ी आपके पास रहती है। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ये 3-4 तारे हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपेयर करोगे। बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से कूलिंग कम होती है। जो आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये वायरें पहले मैं साइड पर रख दूँ, आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, ये अपना रिले बॉक्स है गाड़ी का, ठीक है। ये मैंने खोल लिया, इसमें ये देखो एक रेडिएटर वन रेडिएटर की रिले है, एक रेडिएटर की ये रिले है और एक रेडिएटर की अपनी ये रिले है। 3 रिले हैं इसमें, अपनी 3 रिले लग रही हैं। ये देखो 3, एक ये, एक ये, एक ये। अब जब हम रेडिएटर फैन को चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो अपना रेडिएटर फैन चलता रहता है, लेकिन ये 2 स्पीडों पे चलता है, यानी कि इसमें स्पीड होती है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है तो स्पीड होती है। तो हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। देखो ये निकाल लेंगे तीनों, ये तीनों निकाल लेंगे। अब इसको चेक करेंगे अपना रेडिएटर फैन ओके चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको तो हर कोई चेक कर लेता है ये रेडिएटर फैन। आपने क्या करना है, देखो ये पिन है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 पिन है, लेकिन आपने इसमें लगाना है। इसमें कैसे लगाना है आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये बल्लब है, बल्लब से हम चेक करेंगे पहले, बल्लब से हम तीनों को चेक करेंगे। ये देखो इसमें लगाएंगे, थोड़ा ऊपर कर ला, इसमें लगाएंगे। देखो इसमें लगा लिया हमने, ये अपना बल्लब है, इसको हम ग्राउंड दे देंगे। ग्राउंड से ये बल्लब जलेगा, इसमें डायरेक्ट करंट रहता है और ये करंट घूम यहाँ से जाके यहाँ से जाता है और दूसरी पिन में चला जाता है। और इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी देखो डायरेक्ट करंट रहेगा, डायरेक्ट करंट रहेगा। और इसमें लगाएंगे, देखो इसमें मैं अब करंट चेक करूँगा, देखो इसमें बल्लब नहीं चल रहा क्योंकि इस पिन में, इस वाली पिन से करंट नहीं, इसमें ग्राउंड जाएगा। तो इसमें यहाँ से ग्राउंड जाएगा जब ECM इसको सिग्नल देगा। अब हम चला के चेक करेंगे। ये देखो वायर है, ये वायर मैंने यहाँ लगाऊंगा, ये वायर मैं इसमें लगाऊंगा, इसमें लगा के देखो अपना रेडिएटर फैन चालू हो गया। रेडिएटर फैन दिखाइयो, ये देखो रेडिएटर फैन अपना चालू हो गया। इसको हटाऊंगा मैं, बंद हो जाएगा, लेकिन मैं दोबारा लगाता हूँ। देखो दोबारा लगाऊंगा, रेडिएटर फैन अपना चालू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन पिनों में जब मैं रेडिएटर फैन को चलाऊंगा तो अपने रेडिएटर फैन की स्पीड देखना आप कितनी तेज़ हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कोई चेक नहीं करता क्योंकि अगला एक रिले चेक कर लेता है, उसको लगता है भी हाँ रेडिएटर फैन तो चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता भी ये स्लो चल रहा है, ठीक है। इसलिए मार्केट में जाएंगे तो अपना कूलिंग कम करेगा। देखो अब देखो आवाज़ देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, साउंड फुल हो गया। ये चीज़ आप चेक कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। अगर यही प्रॉब्लम हुई, 90% तो यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्यूज बताता हूँ। देखो ये फ्यूज है अपना रेडिएटर का 10 एम्पीयर का, ये रेड कलर का फ्यूज। और एक चीज़, एक वायर मैं आपको और बताता हूँ, ये वाली, ये देखो ये ग्रे कलर की वायर है, यहाँ लेके आइए जसनूर, ये उंगली पर, ये देखो ये ग्रे कलर की वायर है। यहाँ पे आपने वायर लगा के, जब मैं वायर लगा के, अगर आपका एसी बंद हो जाए, आपने यहाँ वायर लगा के इसको बैटरी पे लगा के देखना है। ऐसे देखो टक टक की आवाज़ आ रही है। अब आप कंप्रेसर पे लेके चलो, वहाँ लेके जाना। ये देखो ये कंप्रेसर, देखो ये, देखो ये टक टक की आवाज़ कर रहा है। अगर आपका बाई चांस एसी बंद हो जाए तो आप ये वायर लगा के अपने इंजन को स्टार्ट करोगे और चला के देखोगे। अगर कूलिंग कर रहा है तो आपका कंप्रेसर तो ख़राब है नहीं, या गैस घुस निकल जाएगी। बाकी 90% आपकी प्रॉब्लम इस फैन की वजह से कूलिंग कम है तो सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप वीडियो और भी देख सकते हो चैनल पे जाके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को लाइक करो। धन्यवाद।